हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर एसीबी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दीनगढ़ ग्राम पंचायत के एलडीसी के दलाल को 3000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। परिवादी फूसा राम ने एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई कि उसके भाभी के नाम से नरेगा में टाका स्वीकृत हुआ है, जिसमें मजदूरों की हाजिरी चढ़ाने की अवज में ग्राम पंचायत के एलडीसी पुन्मा राम द्वारा 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही है, जिस पर एसीबी ने शिकायत का गोपनीय सत्यापन करवाया और सत्यापन में शिकायत सही पाए जाने पर आज एसीबी की टीम ने डिंगर ग्राम पंचायत पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां पर एलडीसी के मौके पर नहीं था और परिवादी से एलडीसी के दलाल कवरा राम ने 3,000 रुपए की रिश्वत ली, जिस पर एसीबी टीम ने दलाल कवरा राम को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वहीं घूसखोर एलडीसी को एसीबी टीम की भनक लगते ही फरार हो गया। इस दौरान एसीबी टीम को ग्रामीणों द्वारा रोकने का भी प्रयास किया गया, जिसके बाद एसीबी की टीम आरोपी घूसखोर दलाल को चौटन पुलिस थाने लेकर आई, जहां पर पूरी कार्रवाई अंजाम दिया। साथ ही एसीबी की टीम अब दलाल से पूछताछ कर रही है और आरोपी एलडीसी की तलाश में जुट गई है। इसमें परिवादी श्री फूसा राम ने दिनांक 12/1/2022 को एसीबी चौकी बाड़मेर में एक रिपोर्ट दी कि मेरे भाभी के नाम एक सार्वजनिक टांका स्वीकृत हुआ है, जिसमें मेरे से ग्राम पंचायत का कनिष्ठ सहायक श्री पुन्मा राम 10,000 रुपये की मांग इसलिए कर रहा है कि वो उसके मस्टोर में आगे नाम चढ़ाऊंगा। तो इसके बाद उसी दिन सत्यापन कराया। सत्यापन में उसने पुन्मा राम ने ये भी कहा था उसको परिवादी को कि ये रुपए है जो एक उसको देना, उससे बात करवा देना, कमरा राम नाम था उसका, कि उसको ये पैसे दे देना। तो 12 तारीख को ही सत्यापन कराया तो कमरा राम जो मध्यस्थ भी हैं, दलाल है, जिसने कहा कि मैं आपका काम करवा दूंगा, जो नाम चढ़ाने मास्टर में चढ़ा दूंगा और उसके पैसे देने पड़ेंगे 10,000 रुपये, जिसमें अभी कुछ दे दो कुछ बाद में दे देना। तो इसमें उसी समय 2,000 रुपये दे दिए थे, कुछ बाद में देने कहा। इस प्रकार दिनांक आज 15/1/2022 को ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया और कमरा राम मध्यस्थ, जिसको 3,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों दस्तियाब करके अभी कार्रवाई जारी है। और उसी समय जो कनिष्ठ सहायक था पुन्मा राम, जिसके लिए उसने पैसे लिए थे, उसी से बात कराई तो उसने बिल्कुल सहमति जाहिर की और कहा कि ठीक है 3,000 रुपये ले लिए हैं और बाद में जो इसका काम भी कर देंगे, नाम चढ़ा देंगे मस्टोर में। उसके बाद में भनक लग गई कि पकड़ा गया कमरा राम, तो वो मौके से फरार हो गया पुन्मा राम। उसकी दस्तियाबी के प्रयास जारी है और ट्रैप की कार्रवाई भी जारी है। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम इकबाल की रिपोर्ट।